पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और इमाम उल हक ने भारत पहुंचने के 24 घंटे के भीतर घटिया हरकत कर दी। इमाम उल हक ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह होटल रूम में चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ इमाम ने लिखा है, हैदराबाद चाय और हम। उनके इस पोस्ट पर भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स अब भड़क गए हैं। इमाम उल हक ने जो तस्वीर पोस्ट की है उसे भारत के वीर जवान विंग कमांडर अभिनंदन से जोड़कर देखा जा रहा है। इमाम उल हक को यह भी पता होगा कि उनके इस पोस्ट का क्या मतलब है, ऐसे में उन्होंने जानबूझकर इस तरह की बदतमीजी वाला पोस्ट क्यों शेयर किया है। इमाम उल हक ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीर शेयर की है वह कहीं से भी ठीक नहीं है। इमाम और बाबर एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों के बारे में भी अच्छे से पता है। यही कारण है बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज खेलने की इजाज़त टीम इंडिया को नहीं देता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई बार भारत के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए गिड़गिड़ा चुका है। ऐसे में इमाम और बाबर जैसे प्लेयर सोशल मीडिया पर अगर इस तरह की तंज कसते हुए पोस्ट शेयर करेंगे तो दोनों देशों के बीच रिश्तों में मधुरता की जगह कड़वाहट ही पैदा होगी। बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के आने के लिए 48 घंटे पहले वीजा मिला था। पाकिस्तानी टीम 7 साल के बाद किसी टूर्नामेंट के लिए भारत पहुंची है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण दशकों से बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेली गई है। ऐसे में दोनों टीमें किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही ICC या फिर एशिया कप के इवेंट्स में भाग लेती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच खेलने के लिए पहल नहीं की है, लेकिन BCCI ने हर बार साफ मना कर दिया है।